मुझे कम से कम सामान रखना है तो मुझे एक बैग रखना है। सारे बहन भाई और हमारे पेरेंट्स मुंह के अंदर ले लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बहुत ही दिनों बाद व्लॉग में मुलाकात हो रही है। एक मेरा फेस चल रहा था कि जो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हुई भी थी और मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, जस्ट शॉर्ट्स डाल रही थी। हालांकि मैंने लास्ट व्लॉग अपने पिछले फ़ोन से बनाया था, मुझे फ़ोन लिए हुए 2 महीने हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे सबने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो तुमने न्यू फ़ोन भी लिया, 15 प्रो मैक्स भी लिया, और उसके बाद भी तुम्हारा जो है वो उस तरह दिल की नहीं करता, तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो। तो मैंने कहा ओके यार क्यों नहीं। पहले बता रही हूँ, मैं इस व्लॉग के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। हम लोग सब जा रहे हैं नॉर्थन और पूरी फैमिली एक साथ कभी भी नहीं गई है, हमेशा कोई ना कोई बिजी होता था। अब हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम सब एक साथ जाएंगे, और ये मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी शावर लिया है कि सुबह में वक्त नहीं होगा, हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो स्किन जो है वो विंटर जा रहे हैं, हाइड्रेट रखने के लिए हाइलुरोनिक एसिड मस्ट है। तो जल्दी से मैं चेंज करके इसके बाद मिलती हूँ। अभी ब्लो ड्राई कर रही हूँ, ना ही कुछ और ऐसे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ और बाकियों से पूछती हूँ जाके कि उनकी तैयारी हो चुकी है या नहीं। इतनी खूबसूरत मैंने ये रिंग लाइट ले ली है ना, मेरा बस चले मैं इसको हर जगह साथ ले जाऊँ। पहले मैंने इतने पैसे ज़ाया किए, पता नहीं मुझे ये वाली रिंग लाइट पहले क्यों नहीं मिली थी। अब हम जल्दी जल्दी से अपना सामान रखने लगे हैं जो हमें कल साथ लेकर जाना है। मुझे बताओ कि तुमने बैग कौन सा लेके जाना। मैं फिर तुम्हें किस लिए लेके आई हूँ अगर मैं ये सब बताने खड़ी हूँ। हाँ अरे कभी अलग अलग हुआ, मुझे ना कहना वो वाली चीजें तो वो वाली चीजें रखते अलग हैं, लेकिन मुझे बताओ सही कि मैं किस में रखूं, क्या करूं यार। मैं अपना बैग लेके आती हूं ना, मुझे नहीं समझ आता ऐसे। ये है मेरी न्यू रिंग लाइट जो कि अभी मैंने इसको काफी क्लोज किया हुआ है, लेकिन ये जो है माशाल्लाह बड़ी बहुत ज्यादा इसकी हाइट भी हो जाती है और इसकी इतनी लाइट है मैं बता नहीं सकती। इसका मैं प्रॉपर किसी दिन रिव्यू करने वाली हूँ, मतलब ना मजा आ जाता है इस रिंग लाइट के सामने बैठ के। जब उन्होंने मुझे प्राइस बताई ना, जब मैं लेने गई थी एक बार, प्राइस सुन के तो मैं हैरान ही हो गई थी, मैंने कहा यार इतनी महंगी रिंग लाइट। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स वर्थ इट, बहुत ज्यादा लाइट है। आई गेस थोड़ा सा मुझे इसको कम करना चाहिए। वेयर इज द रिमोट ऑफ माई कर रही हूँ, दिस इज द रिमोट, और हम इससे थोड़ा सा लाइट को कम करते हैं। आई गेस ये हुई है, यस। तो अभी मैं ना अपना मेकअप चुन चुन के रख लेती हूँ, जो कि भी मुझे मेकअप कुछ लेके जाना है साथ, और मैं बहुत कम मेकअप रखूंगी क्योंकि वहाँ पे वैसे ही मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही होती है नॉर्दर्न में, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ, तो रख लेती हूँ। सुबह में भी सारा मेकअप चाहिए होगा, लेकिन फिर भी टेंट रख रही हूँ। लिपस्टिक ये भी रख लेती हूँ, ये मेकअप रिमूवर, रिमूवर बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें मैं इधर रखती हूँ। और ये मेरा है फेवरेट सनस्क्रीन, ये डबल क्लिनजिंग के लिए क्लिनजर भी रखना ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई फेस वॉश, डेली मैं यूज़ करती हूँ ये, तो दोनों मुझे रखने हैं ज़रूरी। और कंसीलर, बैग का मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे कम से कम सामान रखना है तो मुझे एक बैग रखना है, और जो मैंने ड्रेसिंग सोची हुई है वहाँ पे करने के लिए, जिस कलर के मैं वहाँ पे जो कलर्स कॉम्बिनेशन करके मैं पहन रही हूँ, स्वेट शर्ट्स वगैरह जीन्स, उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ब्लैक अच्छा लगेगा। सो दिस वन और दिस वन, तो ब्लैक वाला पहनना चाहिए शायद, मैं पता क्या सोच रही हूँ। बताना बैग कौन सा सही लग रहा है, वो लो जिसमें आपकी चीज़ें आ गई। यश माइले का ये वाला बैग ले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, ये पिंक पाउच में मैं अपना मेकअप जो है रख लेती हूँ कुछ। एक ड्रेस मैंने ये रखा है अपना, ठीक है, और एक ये रखा है वहाँ पे पहनने के लिए, माल रोड पे जैसे सर्दी वगैरह लगेगी, तो मैंने सिंपल एक ट्रैक सूट टाइप रख लिया, और बाकी ये सारे जो हैं प्रेस हुए मैं शुमाइल के भी कपड़े सब एक साथ ही मिक्स। अब इसमें पेंट का मैं पूछ रही थी ना, कौन सी पेंट करनी है बताओ फिर, तो इसको फिर तब कर लेंगे। हमने कहीं जाना है आउट ऑफ द सिटी, तो हम पीर वाले दिन आपको ना मैं कॉल करूँगी, तब आप आइएगा। छोटी दे दी रजिया बाजी को। तो हमने कहा कॉल आ गई उनके, हाँ अच्छा है बता दो। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, वो रज़िया बाजी को कहिएगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं शहर से बाहर, तो इतवार की शाम में मैं फ़ोन करके बता दूंगी, तो पीर वाले दिन आ जाइएगा, लेकिन पीर वाले दिन ना ज़रा लाजमी, ठीक है? ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमने फोन भी तो इस वक्त नहीं, अभी इतनी रात तो नहीं हुई है। चलो खैर, अच्छा है ना, हर जिम्मेदारी हर काम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आके ही करवाएंगे। तुम अब अपना देख लो भाई, मैं बस कर रही हूँ अपनी चीजें डन। ओके, ये पाउच बना लिया जिसमें मेरी स्किन केयर है, मेरे रात के मतलब वो सीरम्स वगैरह, नाइट के फिर मेकअप रिमूवर के लिए कॉटन पैड्स और माइसेलर वाटर और जो है मेरे क्लींजर्स वगैरह सारे मैंने एंड पे इसमें अच्छे से रख लिए हैं, मेरे टूथब्रश और सब कुछ। और इस बैग में जो मैंने कैरी करना है, इसके में मेरा सब कुछ आ गया, इसकी इतनी अच्छी स्पेस थी, इसमें मेरा टोटल मेकअप आ गया, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आ गया इसमें। एक नेल पेंट ऐसी लगा लेती हूँ आज, इस बार मेरा डार्क लगाने का दिल नहीं कर रहा, इतने टाइम से न्यूड कोई भी शेड नहीं लगाया ना, हालाँकि ये मेरे किसी ड्रेस से मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा लेते हैं। तुम्हें ना ये गिरा मत देना बस, okay. मेरा नहीं हाथ से पड़ रहा, एक मिनट आप ये चीज़ साइड रखो, मैं इधर हाथ रखती हूँ। नेल पेंट मेरा लग चुका है, जो क्योंकि मुझे लग रहा था इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है ये तो, थैंक यू। अच्छा मैं जाती हूँ फिर इसको सुखाने के बाद, फिर कुछ जो चीज़ें रखती हूँ जो रह गई हैं। जैकेट मैंने भी प्रेस करनी है, सारे कपड़े हमने प्रेस पहले हो चुके थे, हम लोग करवा चुके थे कामल की आंटी से, लेकिन ये मेरा पहला इरादा नहीं था पहनने का, ये मेरी आउटफिटर्स की जैकेट है, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है, तो क्यूट क्यूट इस पे कार्टून्स बने हुए, तो लेकिन मेरा एंड टाइम पे दिल किया कि मैं इसको भी साथ रख लेती हूँ, तो ये मैं खुद अब मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। ये सारे ड्राई क्लीन हो के आ चुके हैं, कोट वगैरह तो एक दो तीन ये मैंने सारे रख लिए हैं। जल्दी जल्दी बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, कुछ कर लिए हैं कुछ रहते हैं, मैंने सोचा कि मैं अच्छे से बाल डेड स्ट्रेट कर लेती हूँ, फिर इजी रहेगा, चाहे मुझे स्लीक पोनी करनी हो या फिर मुझे ओपन हेयर रखने हो। रखते हुए ना ये मैं फ्रंट से आगे से दोबारा करूँगी, भी काम करते हुए इतना मुझे गुस्सा आता है ना कपड़े प्रेस करते हुए, मैं बता नहीं सकती, मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम कपड़े प्रेस करना लगता है। जैकेट भी प्रेस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे हो चुके हैं, हेयर स्ट्रेट से लेके कपड़े ज्वेलरी का नाम है तो मैंने कुछ भी नहीं रखा शर्ट, चलो मैं सुबह जाते हुए कुछ भी पहन लूँगी, और उसके अलावा नेल पेंट बैग जो लेके जाने सब कुछ डिसाइड हो गया, सारी मेरी तैयारी हो चुकी है, जो जो चीज़ें मैंने रखी मैंने साथ साथ आप लोगों को दिखा दी। अब मैं करने लगी हूँ अपनी कुछ नींद पूरी, उसके बाद क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है, सुबह में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंट करूँगी, जस्ट ब्लॉग था कि हमारी क्या क्या प्रिपरेशन हो रही हैं। Thank you.